हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 1972 में आई मूवी व्हाट्स द पीपल सॉ को एक्सप्लेन करूंगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.8 आउट ऑफ 10 है और 84% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक भी किया है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सारा होता है। वो अपने बाथटब में नहाने के लिए जाती है, लेकिन बाथटब में करंट लगने की वजह से उसकी डेथ वहीं हो जाती है। अब यहाँ से सीन एक साल बाद का स्टार्ट होता है, जहाँ हम एलिस को देखते हैं। एक्चुअली एलिस सारा के बेटे की स्टेप मदर है। सारा के हस्बैंड ने, जिसका नाम पॉल है, उसने दूसरी शादी कर ली थी। पॉल एक बिजनेसमैन है, तो वो ज्यादातर बिजनेस के सिलसिले में बाहर ही होता है। पॉल ने एलिस को जाने से पहले मार्कस के बारे में बताया होता है। मार्कस यानी कि उसका और सारा का बेटा, वो बोर्डिंग स्कूल से कुछ दिनों में ही वापस आने वाला है। लेकिन मार्कस बोर्डिंग स्कूल से आज ही वापस आ जाता है। एलिस उससे पूछती भी है, आखिर तुम बोर्डिंग स्कूल से आज ही कैसे वापस आ गए? तो मार्कस कहता है उसे बोर्डिंग स्कूल से जल्दी छुट्टी मिल गई, क्योंकि स्कूल में चिकन पॉक्स फैल गया था। एक्चुअली मार्कस की नज़र उसकी स्टेप मॉम पर ठीक नहीं होती। उसकी एज तो 12 साल की थी, लेकिन उसकी सोच बहुत खराब थी। नेक्स्ट डे एलिस पॉल का फोन मार्कस को देने के लिए वॉशरूम में जाती है, जहां मार्कस नहा रहा होता है। मार्कस के पॉल से बात करने के बाद जब एलिस पॉल से बात कर रही होती है, तो मार्कस पीछे से आकर एलिस को टच करने लगता है। एलिस को इस बात पर मार्कस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। एलिस मार्कस की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ती और वो उसे अपने बेटे जैसा ही समझती है और अपने बेटे जैसा ही प्यार करती है। इसके बाद पॉल अपनी ट्रिप से वापस आ जाता है और मार्कस और एलिस उसका एयरपोर्ट पर ही वेट कर रहे होते हैं। जब वो सब कार से वापस आ रहे होते हैं, जिसको एलिस ड्राइव कर रही होती है, पॉल एलिस को टच करने लगता है और एलिस अपना कंट्रोल खोने लगती है, जिससे उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। घर आने के बाद पॉल और एलिस इंटीमेट होते हैं। फिर रात को वो सब मिलकर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं डिनर करने के लिए। जब वो डिनर कर रहे होते हैं, तो पॉल उन दोनों से पूछता है, मेरे लॉकर से पैसे किसने निकाले थे? तो एलिस कहती है, मार्कस ने निकाले थे, क्योंकि उसको टैक्सी को पे करने थे और इसने ये बात मुझे भी बताई थी। लेकिन मार्कस कहता है, मैंने वो पैसे नहीं निकाले थे। अब पॉल को लगता है एलिस ने ही वो पैसे निकाले थे। जब एलिस घर आती है, तो वो मार्कस का रूम चेक करती है, तो उसे वहाँ पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन एक फटा हुआ लेटर मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। इसके बाद जब एक दिन मार्कस और पॉल स्विमिंग कर रहे थे, तो मार्कस पॉल को कहता है, एलिस एक अच्छी मॉम नहीं है, वो उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और एलिस ने मेरा रूम भी चेक किया था। एलिस वहीं सोने का नाटक कर रही थी, लेकिन वो मार्कस की सारी बातें सुन रही थी। अब पॉल गुस्से में एलिस से ये सब पूछता है, उसने मार्कस के रूम की तलाशी क्यों ली? लेकिन एलिस उसे कहती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बाद एलिस मार्कस के बारे में पता करने के लिए उसके बोर्डिंग स्कूल जाती है, जहां उसे पता चलता है मार्कस की कोई छुट्टियां नहीं चल रही हैं, बल्कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। असल में मार्कस आसपास के घर के लोगों को चोरी छुपे इंटीमेट होते देखता था और वो उसके हाथ लगने वाली बिल्लियों को भी मार देता था, इसीलिए उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। एलिस इस बारे में पॉल को कुछ नहीं बताती। एक दिन जब एलिस पॉल के साथ एक पार्टी में जाती है, तो उसे वहाँ एक लेडी मिलती है, जो सारा की बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। वो सारा की बहुत ही तारीफ करती है और कहती है, पता नहीं वो ऐसे क्यों मर गई। यहाँ से एलिस को लगने लगा था कि शायद मार्कस ने ही अपनी मॉम को मारा है। वहां से आने के बाद एलिस पॉल को सब कुछ बताती है, लेकिन पॉल उसका बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। रात को एलिस एक काम से ऊपर स्टोर में आती है, जहां उसे एक होल दिखता है। वहां से उसके रूम का बेड दिख रहा होता है। एलिस को अब लगता है मार्कस उन्हें यहां से इंटीमेट होते हुए देखता है। अब एलिस सीधे मार्कस के पास आती है
और उससे पूछती है आखिर वो उन्हें ऐसे क्यों देखता है। मार्कस कहता है उसे ये सब करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। एलिस कहती है क्या वो सारा को भी ऐसे ही देखता था। तो मार्कस कहता है सारा को देखने में उसे ये मजा नहीं आता था। एलिस कहती है क्या तुमने ही सारा को मारा है। मार्कस इस बात का कोई जवाब नहीं देता। अब एलिस उससे पूछती है कि उसे इन सवालों के बदले उससे क्या चाहिए। तो मार्कस कहता है उसे बस एलिस चाहिए। इसके बाद एलिस एक एक करके अपने सारे कपड़े उतारने लगती है और मार्कस एक एक करके जवाब देने लगता है। मार्कस कहता है सारा हार्ट अटैक की वजह से मरी थी। उसको हार्ट की एक बीमारी थी जिसको उसने सबसे छुपाया था। लेकिन एलिस को ये बात झूठ लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब एलिस पॉल को लेकर ऊपर स्टोर में होल दिखाने के लिए लाती है लेकिन वहाँ अब कोई होल नहीं होती। अब एलिस फिर से मार्कस के बारे में पॉल को बताती है लेकिन पॉल उसकी एक भी बात नहीं सुनता क्योंकि मार्कस एक 12 साल का छोटा बच्चा है। अब एलिस सारा की डेथ के ऊपर रिसर्च करती है जहां उसे पता चलता है कि मार्कस ने ही सारा को मारा था। उसने सारा के बाथटब में एक खराब हीटर लगा दिया था जिससे सारा को शॉक लगा था और उसकी डेथ उसी की वजह से हुई थी। अब एलिस फिर से मार्कस से बात करती है और उससे पूछती है उसने सारा को क्यों मारा। जिस पर मार्कस कहता है उसे सारा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और मुझे इंसानों को टॉर्चर करने में मजा आता है और अब तुम ये जान गई हो तो मरने की बारी तुम्हारी है। जिससे सारा बहुत ही परेशान हो जाती है और उसे कुछ भी नहीं समझ आता आखिर वो क्या करे। पॉल को भी अब लगने लगा था कि एलिस पागल हो गई है। ऐसे ही दिन पे दिन एलिस की मेंटल कंडीशन खराब हो रही थी और उसे एक मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। ट्रीटमेंट के बाद उसे डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। एक दिन ये सब पार्क में घूम रहे होते हैं तब एलिस मार्कस से अकेले में सारा के अवार्ड बात करने के लिए आती है। अब मार्कस कहता है वो उसे नहीं मारेगा क्योंकि उसे वो लाइक करता है। अब एलिस भी मार्कस की बात में हाँ मिलाने लगती है और उसे कहती है हम पॉल को मारकर कहीं दूर भाग जाएंगे और वो अब मार्कस को एक किस भी करती है। इसके बाद एलिस मार्कस की डॉग के टॉय को एक गाड़ी के आगे फेंक देती है जिससे उसका डॉग वो टॉय लेने के लिए भागता है और मार्कस अपने डॉग को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है। इस सब में मार्कस का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ वहीं पर हो जाती है। एलिस मार्कस की बॉडी को देखकर हंसने लगती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आप लोग मुझे कोई मूवी सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।